चलिए ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। भूगर्भिक बनावट, कल जो पढ़े थे वो अलग था, आज उसी को ही अलग तरीके से पढ़े हैं। छत्तीसगढ़ किसका भाग है? प्रायद्वीपी भारत का भाग है। प्रायद्वीपी भारत का भाग है। ओके अब ये जो प्रायद्वीपी भारत है, ठीक है, ये किसका भाग है? तो ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। लिखिए, प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। हाँ चलिए, अब इधर देखिए ध्यान से, ये कैसे है? जैसे कि ये मतलब मान के चलिए ये एक ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में क्या था, एक अंगारा लैंड ऐसे इस तरह से दो भागों में बटा था। एक होता है अंगारा लैंड, ये पृथ्वी को ना, अभी इसको डिटेल नहीं जाना है, बस समझने के लिए। और ये क्या था, गोंडवाना लैंड, ये दो तरफ, ठीक है। पृथ्वी को दो भागों में बांटे हुए थे, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। जब यही पृथ्वी क्या हुआ, थोड़ा सा हटते गए हटते गया, तो यही गोंडवाना लैंड में क्या है, ये जो भारत है हमारा, भारत जो है ये इसी का भाग है, ठीक है। अब भारत में आते हैं, ये वाला जो भाग है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपी भारत। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपी भारत, ठीक है। और छत्तीसगढ़ कहाँ है? ये यहीं पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है, समझ गए बात। तो इसी का क्या पड़े हैं, छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपी भारत का भाग है। और प्रायद्वीपी भारत किस किस में आता था? प्राचीन गोंडवाना लैंड। क्लियर हो गया, समझ गए बात। थोड़ा ज्यादा समझने के लिए ये वाला और ये वाला छोटा सा बना दो कंप्लीट, जल्दी ऑनलाइन वाले भी जल्दी बनाइए। हो गया इतना, चलिए अब हेडिंग डालिए आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्प शैल समूह। देखिए, आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्प शैल समूह, ठीक है। आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्प शैल समूह, आर्कियन शैल समूह, या इसी को क्या पढ़ रहे हैं, आद्य महाकल्प शैल समूह, ठीक है। हाँ चलो, अब इसके बारे में क्या है, तो देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा से अलग तरीके से पढ़ना है तब जाके याद हो, ठीक है। तो देखिए, आद्य महाकल्प के बारे में नॉर्मल सा एक पहले हम लोग इसको बांट देते हैं, अलग अलग खंड में बांट देते हैं, ठीक है। अलग अलग खंड में बांटेंगे ना तो आसानी जाएगा याद करने में, ठीक है। तो अलग अलग खंड में जब बांटते हैं तो एक जो है याद रखिएगा ध्यान से, एक हल्का सा सामान्य परिचय, मतलब सामान्य जानकारी का ये खंड। देखो, ये याद करने की सुविधा के लिए, सबको अगर एक साथ याद करते हैं तो याद नहीं होता,
ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हम लोग चट्टान वाला एक पॉइंट कर लेते हैं, ऐसे चट्टान वाला, ठीक है। तो जिसमें हम लोग चट्टान में क्या पढ़े थे, एक है आग्नेय चट्टान, ऐसा पढ़े थे ना। एक जो है कायंत्रित चट्टान, ऐसे पढ़े थे, कायंत्रित चट्टान ऐसे पढ़े थे, ठीक है। ये दो चीज पढ़े थे। इसके अलावा एक क्या पढ़े थे हम लोग, ग्रेनाइट, ठीक है, नीस, ऐसे पढ़े थे हम लोग कि इसके अंतर्गत ये वाला खनिज है, या इसी को हम चट्टान के रूप में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक हो गया क्या, ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, नीस सिस्ट हो गया, और एक याद रखना नीस पट्टी, ठीक है। तो देखो ऐसे अलग अलग भागों में बांट रहे हैं ना। और उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, विस्तार। और एक पॉइंट हम याद करेंगे जो बच जाएगा अन्य बोल के ऐसे, ठीक है, समझिए बात, अन्य बोल के उसको पढ़ गए। अब इसके बाद आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आर्कियन से एक एक करके पढ़ेंगे ना, फिर उसके बाद लास्ट में कंबाइन कर देंगे, फिर याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक सामान्य जानकारी में पढ़ते हैं कि आर्कियन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है सर्वाधिक प्राचीन, ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन। अभी रुक जाओ मत लिखना। आर्कियन शब्द का अगर कहा जाए, आर्कियन शब्द का अर्थ, एक पॉइंट क्या हुआ, आर्कियन शब्द का अर्थ क्या होता है, सर्वाधिक प्राचीन, ठीक है। तो इस कारण इसको बोल सकते हो कि यह पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम शैल समूह है और सबसे गहराई पर पाया जाता है। इस चीज को तो हम पहले से जानते हैं। तो देखिए एक चीज हमने क्या लिखा नोट्स में, ठीक है, कि आर्कियन शब्द का अर्थ क्या है, आपने क्या लिखा, सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन, ठीक है। अब ये जो सर्वाधिक प्राचीन आपने लिखा, यहीं से एक चीज लिखे कि यह पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम शैल समूह है। सबसे प्राचीनतम क्या है, शैल समूह है, सबसे प्राचीनतम शैल समूह है, इतना समझ के बाद यहीं पे दूसरा चीज लिख दिया, यह सबसे गहराई पर पाया जाता है। ये तो कल का हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या आर्कियन शैल समूह क्या चीज, सबसे गहराई पर पाया जाता है। क्लियर हो गया, समझ के बाद, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और है क्या, ठीक है। तो अब इधर देखिए ध्यान से, वो चट्टान में जाते हैं, आग्नेय चट्टान और कायंत्रित चट्टान, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान पे याद रखिएगा, ये जो है अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान है, क्या है ये, अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान है, क्या बोलना है, अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान। शब्द पूरा याद रखिएगा, इसमें क्या पूछता है, सीधा पॉइंट चार देगा, सत्य असत्य पहचानिए कूट में देगा, एक दो तीन, चार दो एक, इनमें से कोई नहीं, ऐसे बोलते, ठीक है, समझ गए। और ऐसा ही कठिन दे रहा है। तो आग्नेय में देखो, आपको पहले से पता है आग्नेय वाला पॉइंट, जानते ना, बस इसमें हमने क्या लिखा, यह बोले तो क्या, आग्नेय सेल जो है अंतर्वेधी, अंतर्वेधी क्या है, आग्नेय चट्टान है, अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान है, याद हो जाएगा, ठीक है, अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान, या नहीं रहेगा, सॉरी, ठीक है, अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान है, क्लियर होगा, इतना समझिए बात। अब आते हैं कायंत्रित चट्टान की बारी, ठीक है। तो कायंत्रित चट्टान में याद रखिएगा, कायंत्रित चट्टान में लंबी अवधि शब्द, क्योंकि शब्द सह देगा, लंबी अवधि के मौसमी क्षति के कारण, ठीक है, लंबी अवधि के मौसमी क्षति के कारण यह कायंत्रित हो जाती है। तो इस कारण क्या है, यह कायंत्रित चट्टान है, कुछ नहीं, लंबी अवधि मौसमी क्षति, बोलो, लंबी अवधि मौसमी क्षति के कारण कायंत्रित हो जाती है। इस कारण यह क्या है, कायंत्रित चट्टान है, क्लियर हो गया। एक बार फिर से कायंत्रित चट्टान में आते हैं, लंबी अवधि मौसमी क्षति, ठीक है, लंबी अवधि और मौसमी क्षति के कारण यह कायंत्रित हो जाती है, ठीक है, यह कायंत्रित हो जाती है, इस कारण इसको कायंत्रित चट्टान कहते हैं, क्लियर हो गया, मतलब यह एक कायंत्रित चट्टान है, क्लियर हो गया। तो ये क्या है, लंबी, मैं पॉइंट बस को लिख देता हूं, लंबी अवधि और
सॉरी अवधि छोटा ही और मौसमी क्षति के कारण। देखो एक्चुअल पे शब्दशः को रटना इस कारण है, पेपर में शब्दशः ही देता है, ठीक है, खासकर ये भूगर्भिक बनावट और मिट्टी में, ठीक है, समझ के बाद। लंबी अवधि और मौसमी क्षति के कारण यह कायंत्रित हो जाती है, इस कारण यह एक कायंत्रिक चट्टान है, ठीक है। तो देखो आप एक नॉर्मल एक परिभाषा हल्का से जान गए, ठीक है, अग्नि चट्टान के बारे में जान गए कि यह अंतर्वेधी अग्नि चट्टान है, ठीक है, कायंत्रित चट्टान के बारे में जान गए कि लंबी अवधि और मौसमी क्षति के कारण यह कायंत्रित हो जाती है, ठीक है, यह क्या हो जाती है, कायंत्रित हो जाती है, क्लियर हो गया समझ के बाद। इस कारण यह कायंत्रित चट्टान है, क्लियर, ठीक है, इतना समझिए बात। हाँ अब यह देखिए ध्यान से कि आर्कियन सेल समूह में आग्नेय चट्टान आपने पढ़ा, कायंत्रित चट्टान पढ़ा और ये सभी चीज को पढ़े हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ शब्द और कुछ पॉइंट पूछा जा सकता है क्या कि इसके अंतर्गत और क्या आता है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज शामिल है, ठीक है। तो याद रखना आग्नेय चट्टान में क्या क्या चीज सम्मिलित है, अगर ऐसा पूछेगा तो आग्नेय चट्टान में क्या क्या चीज सम्मिलित है, शब्द से याद रखना कि आग्नेय चट्टान के सॉरी आग्नेय नहीं आर्कियन चट्टान के अंतर्गत अवर्गीकृत क्रिस्टली नाइस सुनो अवर्गीकृत क्रिस्टली नाइस वो जो नीस लिखे हो वही है, एक हुआ, दूसरा ग्रेनाइट, दो हुआ वो भी लिखे हो, तीसरा धारवाड़ समूह की चिल्फी घाट सीरीज की, एक बार फिर से कौन सा समूह, धारवाड़ समूह की चिल्फी घाट सीरीज की औसादी चट्टान को सम्मिलित किया जाता है, एकदम इजी है। देखो ये देनीस है, ये दे ग्रेनाइट है, अब क्या बोला, धारवाड़ समूह की चिल्फी घाट सीरीज, बोलो धारवाड़ समूह की चिल्फी घाट सीरीज, ठीक है, और ये जो नीस लिखे हो ना, ठीक है, और आपको क्या लिखे हो, ग्रेनाइट लिखे हो, तो नीस में क्या लिखना है, क्या बोला है, अवर्गीकृत क्रिस्टली नाइस या नीस, ठीक है। तो चूंकि किताब में नाइस है तो नाइस ही लिखना, ठीक है, क्योंकि जो पेपर में आता है इसी से आ रहा है, ठीक है, अवर्गीकृत क्रिस्टली नाइस ग्रेनाइट, ठीक है, और धारवाड़ समूह की चिल्फी घाट सीरीज की औसादी चट्टानों को सम्मिलित किया जाता है। तो अब इधर देखिए क्या चीज को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं बता रहा, पेपर में आ रहा है प्रश्न, ठीक है, और जैसा आने की संभावना है उसी उद्देश्य से, नहीं तो क्या होता है, इतना कठिन कठिन को क्यों पढ़ाता, क्योंकि मेरे भी पढ़ाने में कठिन लगता है भाई नहीं तो क्या है, सिंपल सिंपल को पढ़ा दो और उसके बाद निकल जाओ तो मजा भी आता है पढ़ाने में, पढ़ने में भी, ठीक है, लेकिन उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, तो इस कारण कठिन चीजों को ही पढ़ना है जो क्वेश्चन बने, ठीक है, दो दिन के बजाय तीन दिन हो जाए लेकिन आराम से, ठीक है। तो चलो इधर देखिए ध्यान से, इसमें हमने क्या पढ़ा, एक नाइस वाला अवर्गीकृत क्रिस्टली नाइस, ठीक है, देखो इसके अंतर्गत आर्कियन समूह के अंतर्गत अवर्गीकृत क्रिस्टली नाइस ग्रेनाइट, ठीक है, अवर्गीकृत क्रिस्टली नाइस एक हो गया, दूसरा ग्रेनाइट, तीसरा धारवाड़ समूह की, ठीक है, धारवाड़ समूह की कौन सा, चिल्फी घाट सीरीज, ठीक है, धारवाड़ समूह की चिल्फी घाट सीरीज, धारवाड़ समूह की चिल्फी घाट सीरीज के क्या, औसादी चट्टान, चिल्फी घाट सीरीज के औसादी चट्टानों को सम्मिलित किया गया है, इतना समझ गए बात। तो देखो ये अर्थ लिख सकते हो, अर्थ के अंतर्गत ये लिख सकते हो, आग्नेय चट्टान, कायंत्रित चट्टान, फिर उसके बाद के और क्या चीज को शामिल किया गया है, तो क्या चीज को, दे ग्रेनाइट नीस हो गया, तो नीस में तो ये दोनों चीज आ गया, नीस सिस्ट नीस पट्टी, अभी इसको डिटेल करेंगे, अभी इसके बाद यदि पढ़े उसके बाद क्लियर हो गया, तो पहले इतने को लिखो फिर उसको जाएंगे, जल्दी नोट कीजिए। मेरा ठंड इसके कारण लग रहा है, इसी के कारण नहीं, ठंड तो इसी कारण लग रहा है, चलो जल्दी करो लिखो। ऑनलाइन वाले भी जल्दी लिखेंगे।
जल्दी नोट करेंगे सभी। पूरा भूगोल में ये जो भूगर्भिक बनावट है, अगर पूरा पढ़ोगे ना तो सबसे कठिन टॉपिक यही लगता है, ठीक है। अगर ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो मजा आता है। लिख लिए सभी? हो गया इतना, आगे बढ़े तो चलो। अब इधर देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेगा, जो चट्टान है इसके अंतर्गत जो खनिज है, ठीक है, ग्रेनाइट, ठीक है। इसके बाद निशिष्ट, निष्पट्टी और उसके बाद जो है एक पढ़ेंगे श्वेत अभ्रक, जो पाया जाता है श्वेत अभ्रक उसके बारे में, ठीक है। इतने को अभी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में विस्तार से खत्म, ठीक है। तो देखिए ग्रेनाइट में हम कोशिश करेंगे पहले तो, ठीक है, 3 पॉइंट। और जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आया हुआ है उसको पहले, ठीक है। कैसे? इधर देखिए डोंगरगढ़, ठीक है। तो डोंगरगढ़ के आसपास ध्यान से सुनना, डोंगर मोबाइल मत चलाओ ना जी, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है माइंड, मतलब क्लास में कभी कोई अगर नहीं कभी करना कर रहे हो अभी, मोबाइल नहीं चलाना, ठीक है, मतलब चले जाता है, ठीक है। तो चलो अब इधर देखिए, ग्रेनाइट जो है मैंने क्या बोला, एक डोंगरगढ़, ठीक है, डोंगरगढ़ में आते हैं, ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान पाया जाता है, कौन से रंग का? गुलाबी, ठीक है, समझिए बात, कौन से रंग का? गुलाबी रंग का, ठीक है। तो देखिए डोंगरगढ़ के जो है ग्रेनाइट चट्टाने जो है डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है, एक क्लियर हो गया। अब उसके बाद दूसरा चीज याद रखिएगा कि रायगढ़ और जशपुर जिले के अधिकांश भागों में भी ग्रेनाइट पाया जाता है, दो चीज बोल लिख सकते हो। तो ग्रेनाइट कहाँ कहाँ? एक हो गया डोंगरगढ़, लेकिन डोंगरगढ़ के जिले में, डोंगरगढ़ के आसपास कौन सा ग्रेनाइट? गुलाबी रंग का ग्रेनाइट, ठीक है, गुलाबी रंग का ग्रेनाइट, ठीक है, याद रखना गुलाबी रंग का ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जी से आपका गुलाबी, ठीक है, जी से क्या हो जाएगा आपका? गुलाबी, याद रखना, क्योंकि अभी और कोई दूसरा बैगनी भी आने वाला है ना, आज ही पढ़ेंगे बैगनी रंग वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डोंगरगढ़ में कौन सा? गुलाबी रंग का ग्रेनाइट, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि रायगढ़ और जसपुर, ठीक है, रायगढ़ और जसपुर में ग्रेनाइट चट्टान के अधिकांश भागों में ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है, क्लियर हो गया, हो गया इतना। अब इसके बाद याद रखना ग्रेनाइट चट्टाने उर्देना,
लामी दरहा के चारों ओर और सारंगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। तो इधर देखिए ध्यान से, उर्देना और लामी दरहा, ध्यान से सुनिए, कठिन शब्द है, ठीक है, पहले सुन लीजिएगा, उर्देना और लामी दरहा, के चारों ओर, ठीक है, एवं सारंगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है, ठीक है। ये इतना बोलना, एक बार फिर से देखो, उर्देना है ना, देखो नॉर्मल बोलो उर्देना, ठीक है, उरद जानते हो उरद, ठीक है, उसी से उर्देना बोल दो, या देना जानते हो, उ बस लगाना है, ठीक है, उर्देना, ठीक है। लामी दरहा, लामी दरहा, ठीक है, लामी दरहा, तो उर्देना लामी दरहा के चारों ओर और सारंगढ़ के दक्षिण पूर्व, ठीक है, अर्थात अगर कहा जाए ये सारंगढ़ है, अगर कहा जाए सारंगढ़, तो इसके दक्षिण पूर्व बोले तो ये वाले जो भाग है यहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सा, ग्रेनाइट चट्टान, क्लियर हो गया इतना समझ के बाद, यहाँ पे ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती है, क्लियर हो गया इतना समझ के। एक बार फिर से देखिए, डोंगरगढ़, ठीक है, में क्या पाया जाता है, गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान पाया जाता है, डोंगरगढ़ में गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान पाया जाता है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या पढ़े कि रायपुर और जसपुर में, सॉरी रायगढ़ और जसपुर में अधिकांश भागों में ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। फिर उसके बाद हमने कहा कि ग्रेनाइट चट्टान जो है उर्देना लामी दरहा के चारों ओर, उर्देना लामी दरहा के चारों ओर एवं दक्षिण सारंगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद चौथा चीज याद रखिएगा, चौथा पॉइंट कुछ इसके बारे में है, किसके बारे में, ग्रेनाइट चट्टान के बारे में, ठीक है। तो ग्रेनाइट चट्टान के बारे में याद रखना, ये जो ग्रेनाइट चट्टान है, ठीक है, या आर्कियन सेल भी बोल सकते हो, इसमें लौह अयस्क की मात्रा विद्यमान है। देखो धारवाड़ में हम पढ़े हैं, ठीक, पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन इसमें भी बताया गया है कि ग्रेनाइट चट्टान ब्रैकेट में आर्कियन सेल समूह में लौह अयस्क की मात्रा, ठीक है, देखो ग्रेनाइट चट्टान ब्रैकेट में क्या, आर्कियन सेल समूह, इसमें लौह अयस्क की मात्रा, लौह अयस्क की मात्रा विद्यमान है, मतलब पाया जाता है इसमें। देखो हम अभी तक सिर्फ धारवाड़ को पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया कि किसमें, आर्कियन सेल से, मतलब इसमें कुछ मात्रों पे कहीं कहीं क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, आर्कियन सेल समूह, ठीक है, उसमें जहां जहां ग्रेनाइट चट्टान है ना, वहां वहां लौह अयस्क की मात्रा विद्यमान है, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हो, इसी का ब्रैकेट में लिखा ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, आर्कियन सेल समूह है, इसमें लौह अयस्क की मात्रा विद्यमान है, जो कहीं कहीं पर ग्रेनाइट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, जो कहीं कहीं पर, कहीं सॉरी कहीं कहीं पर किसके रूप में, ग्रेनाइट के रूप में पाए जाते हैं, ग्रेनाइट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। देखो इतना लिखाने का मतलब यह है, पेपर में बनना चाहिए, नहीं तो नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, नहीं पढ़ाऊंगा, पेपर में नहीं बनने वाला आएगा, क्योंकि अधिकांश लोग का यही छूटता है। और मैं बता देता हूँ, भूगोल में यही दो टॉपिक है, जो भूगर्भिक बनावट और मिट्टी, आना गारंटी के साथ है एक प्रश्न दोनों में से या दो प्रश्न, और ऊपर से आएगा तो कोई भी बना देगा, जहां अंदर घुसा आपसे बनेगा अगर पढ़ के गए, और आप चाहो वो कठिन वाला ही पूछे, समझिए बात, कठिन वाले पूछने से अपने स्टूडेंट का फायदा हो जाता, ठीक है, इतना हो गया, समझ गए, ठीक है। तो इसको पहले लिखिए फिर आगे, जल्दी
ऑनलाइन वाले भी जल्दी नोट कीजिए, और किसी को कोई समझ ना आए तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, जितने भी ऑनलाइन पे लाइव रहेंगे उन लोग, और रिकॉर्डिंग रहोगे उन लोग मैसेज कर लेना। क्या चीज? आसपास, ठीक है, डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती हैं। हाँ, अधिकांश भागों में, जल्दी नोट करो स्पीड से। जल्दी नोट कीजिए, फिर रिवीजन करेंगे। पूरे भूगोल को आप एक महीना मान के चलिएगा, एक महीने से पहले खत्म नहीं होगा छत्तीसगढ़ का भूगोल, ज्यादा ही हो जाएगा लेकिन पहले नहीं। लेकिन वो अच्छे से याद रहेगा, बस नोट्स अच्छे से बनाना है और किसी को नहीं देना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। उर्देना, देखो ध्यान से, डोंगरगढ़, ठीक है, डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। रायगढ़ और जसपुर के अधिकांश भागों में ग्रेनाइट चट्टान, और ग्रेनाइट जो है उर्देना गामी दरहा के चारों ओर सारंगढ़ के दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। अब इसके बाद क्या पढ़ें कि ये जो आर्कियन समूह है, सेल है, इसके में लोह अयस्क की मात्रा विद्यमान है जो कहीं कहीं पर ग्रेनाइट के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया इतना समझ के बाद? अब इसके बाद आते हैं क्या, इधर देखो, ये जो आपका नीस सिस्ट है और नीस पट्टी है, इसके बारे में आते हैं, ठीक है, फिर पहुंचेंगे किसमें, श्वेत अभ्रक में। तो नीस सिस्ट पे याद रखिएगा ध्यान से, कोरबा शहर के कुछ किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिशा में नीस एवं सिस्ट चट्टान है। इधर इसका भी मैपिंग भी होगा ना, अभी मैं एक बार लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर मैपिंग में रिवीजन कराऊंगा, ठीक है? तो इधर देखेंगे ध्यान से, देखो कौन से शहर, कोरबा, ठीक है, तो यदि कोरबा अगर मान ले तो इसके कुछ किलोमीटर दक्षिण, ठीक है, कोरबा शहर के कौन से किलोमीटर, कुछ किलोमीटर, याद रखना, कोरबा शहर के कुछ किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में नीस एवं सिस्ट चट्टाने हैं। तो देखो कोरबा शहर के कुछ किलोमीटर दक्षिण हुआ और दक्षिण पूर्व दिशा में, मतलब दो चीज यहाँ पे याद रखना है, कोरबा शहर के कुछ किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व में क्या है, नीस सिस्ट चट्टाने, नीस एवं सिस्ट चट्टाने हैं। क्लियर होगा, एक चीज हुआ। अब आते हैं नीस पट्टी पे आते हैं, तो नीस की दो पट्टियां हैं, ठीक है, ये जो नीस पट्टी कितने हैं, दो नीस पट्टी है, ठीक है। अब ये जो दो नीस पट्टी है उसमें उत्तर में चिल्फी घाट में पुरानी नीस सेले हैं तथा इनके पहाड़ी भागों में भी नीस सेले हैं। एक चीज हुआ, पहले देखिए, उत्तर में चिल्फी घाट, उत्तर में चिल्फी घाट, ये पुरानी नीस सेले है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा नीस सेली जो है वो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा में, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा में है। क्लियर हो गए, एक बार फिर से देखिए, नीस पट्टी ये पहली और ये दूसरी, ठीक है, एक हमने पढ़ा उत्तर में है, क्लियर, दूसरा क्या पढ़ा, उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर में हुआ, ठीक है, ये हो गया उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ठीक है, देखो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में कौन सा दूसरी नीस से आगे, देखो पहले दिशा को पढ़ लेते हैं फिर उसका एग्जाम्पल। अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल और दिशा को कनेक्ट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। तो इस कारण क्या हुआ, दिशा के आधार पे एक पॉइंट यदि बना के पढ़ दिए, ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल करके दूसरा पॉइंट बता दूंगा, ठीक है। तो अब इधर देखिए एकदम कुल होके, कि पहली जो पट्टी है
ठीक है, उत्तर उत्तर में है, ठीक है, पुरानी नीस सेले है, ठीक है। उसके बाद दूसरी पट्टी जो है वो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा में है, क्लियर हो गया। हाँ, अब इसके बाद उत्तर में अब आते हैं तो उसमें क्या पाना है, पहली जो नीस पट्टी है उत्तर में चिल्फी घाट में है, कहाँ है, उत्तर में चिल्फी घाट में, उत्तर में चिल्फी घाट में है, और यह पुरानी नीस शैली है और इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भी नीस शैले हैं, नीस पट्टी पाई जाती है, क्लियर हो गया। पुरानी पहाड़ी भागों में भी नीस शैले हैं। अब आते हैं दूसरी पट्टी, दूसरी नीस पट्टी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में है, क्लियर हो गया इतना। अब इसमें इसके उदाहरण के रूप में रायगढ़ और कोरबा घाटी में भी नीस शैले पाई जाती है, कहाँ, रायगढ़ और कोरबा घाटी में, ठीक है। या इसको नया पेज करके बना देता हूं, देखो नीस पट्टी, एक बार फिर से नीस शिष्ट तो जान चुके हो, नीस शिष्ट क्या लिखना है, ये कोरबा है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व, क्लियर। अब आते हैं नीस पट्टी, नीस पट्टी जो है ये दो है, ठीक है, पहली नीस पट्टी और दूसरी नीस पट्टी, क्लियर। पहली नीस पट्टी में दिशा कौन सा, यहां पे दिशा हेडिंग डाल देना उत्तर, यहाँ पे उत्तर, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ठीक है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ठीक है, क्लियर हो गया इतना समझ के बाद। तो अब इधर देखिए ध्यान से, ये जो है उत्तर में कहाँ, चिल्फी घाट, ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, ध्यान से, चिल्फी घाट में पाई जाती है, क्लियर। और यह जो है क्या है, पुरानी नीस सेले हैं, क्या है, पुरानी नीस सेले हैं, और पहाड़ी भागों में भी क्या है, नीस सेले पाई जाती हैं, पुरानी नीस सेले हैं और पहाड़ी भागों में भी नीस सेले पाई जाती हैं, क्लियर। अब आते हैं ये उत्तर पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में है, उदाहरण क्या लिखे हमने, रायगढ़ और कोरबा, रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में भी क्या है, नीस सेले पाई जाती है, रायगढ़ और कोरबा क्षेत्रों में भी क्या पाई जाती है, नीस सेले पाई जाती है। तो ये नीस पट्टी के रूप में हो जाएगा, नीस शिष्ट आप जान चुके हो, नीस पट्टी हो गया। अब आते हैं श्वेत अभ्रक, श्वेत अभ्रक, ठीक है, तो याद रखना श्वेत अभ्रक जो है, कौन सा अभ्रक, श्वेत अभ्रक, ये कापू गुठुर मिया बता रहा हूं मैं, और खरहा डोलिन के आसपास, सुनो कठिन है, बापू जानते हो, बापू जानते हैं ना, बापू के कका है कापू, ठीक है, तो क्या बोलना है, कापू, ठीक है, एक हो गया, बोल सकते हो मिया, जानते हो मिया, किस नहीं बोलते कि और मिया क्या हाल चाल, ऐसे बोल के बोलते नहीं बोलते, ठीक है। तो ये क्या है, गुठुर मिया, कौन सा मिया, गुठुर 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 मिया, गुठुर, तो एक नाम हो गया कापू, दूसरा नाम हो गया गुठुर मिया, ठीक है, एक नाम क्या हो गया कापू, दूसरा नाम क्या हो गया गुठुर मिया, ठीक है। और खरहा डोलिन, तो देखो खरहा जानते हो, खरहा, अरे बहुत सारे चीज को एक जगह रखते हैं उसी को बोल देते हैं खरहा, ठीक है। डोली जानते हो, डोली उठाओ चलो ऐसे, जानते ही नहीं जानते, उसी में ना डाल दिए डोलिन, खरहा डोलिन, तीन नाम हो गया। तो देखो ध्यान से, श्वेत अभ्रक पहला बताओ कापू, ठीक है, कापू, दूसरा गुठुर मिया, गुठुर मिया, ऑनलाइन वाले दोहराते जाइए, ठीक है, गुठुर मिया, एक क्या हो गया कापू, दूसरा हो गया गुठुर मिया, तीसरा क्या, खरहा डोलिन, खरहा डोलिन, खरहा डोलिन, ठीक है, समझ के बाद, तीसरा क्या हो गया खरहा डोलिन, एक हो गया कापू, दूसरा हो गया गुठुर मिया, तीसरा हो गया खरहा डोलिन, ठीक है, एक हो गया कापू, दूसरा क्या हो गया गुठुर मिया, तीसरा हो गया क्या खरहा डोलिन, तीन हो गया, ठीक है, के आसपास, एक लाइन। दूसरा पे याद रखना पेंडर उर्मी, जानते हैं पेंडर लोरमी का पठार, दो, उपरोरा, तीन, चौथा कोरबा बेसिन, ठीक ठीक है, कोरबा बेसिन की चट्टानों का ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है, मतलब कोरबा बेसिन। अभी तो देखो कापू,
गुठुरमिया खरहा डोरे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या कहा, पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक है, पेंड्रा लोरमी का पठार। एक मैंने क्या कहा, एक मैंने क्या कहा, उपरोरा, क्या बोला, उपरोरा कोरबा में है, और एक मैंने क्या कहा चौथा, कोरबा बेसिन, ठीक है, कोरबा बेसिन, ठीक है, क्या बोला, कोरबा बेसिन। अब यहीं पे नोट करके थोड़ा सा लिख लेना, कोरबा बेसिन जो है ना, कोरबा बेसिन यहाँ पे नोट कर लेना कि इसकी जो ढाल है, किसकी ढाल, कोरबा बेसिन के चट्टानों की ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है, पश्चिम से पूर्व। तो कोरबा बेसिन के ढाल किस ओर है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, याद रखना, पश्चिम से, ये आपका पश्चिम है और ये पूर्व है। तो कोरबा बेसिन के चट्टानों की ढाल पश्चिम से पूर्व, कोई भरोसा नहीं कब क्या दे दे, सही बता रहा हूं, आजकल लेवल बढ़ गया है ना, मैं खुद बता रहा हूं, जिस समय कोचिंग स्टार्ट किया था 2014 में, अभी जितना पढ़ाता हूं उसका 20% पढ़ाता था और उसी में सिलेक्शन होता था, ठीक है, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। चलो अब इधर देखो, श्वेत अभ्रक, ठीक है, श्वेत अभ्रक कहाँ कहाँ, तो श्वेत अभ्रक कापू गुठुरमिया खरहाडोले, क्या बोलना है, कापू गुठुरमिया खरहाडोले, ठीक है, श्वेत अभ्रक कहाँ कहाँ, कापू गुठुरमिया खरहाडोले, ठीक है, श्वेत अभ्रक कहाँ कहाँ, कापू गुठुरमिया खरहाडोले, ठीक है, यह हो गया, उपरोरा हो गया, ठीक है, पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक है, कोरबा बेसिन यहाँ पाया जाता है, नोट करके लिखिए, कोरबा बेसिन के चट्टानों की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर, कोरबा बेसिन के चट्टानों की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, किधर है बताइए, पश्चिम से पूर्व की ओर है, क्लियर हो गया, समझिए बात, क्लियर हो गया, किस ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर, क्लियर। तो देखिए अभी आप निशिष्ट, निष्पट्टी और श्वेत अभ्रक तीनों को नोट कीजिए, निशिष्ट, निष्पट्टी और श्वेत अभ्रक तीनों को नोट कीजिए जल्दी, अभी ये इसका मैपिंग भी होगा ना, ठीक है, बस ऐसे लिखना है, रायगढ़ और कोरबा में निश्चले पाई जाती है, घाटी नहीं बोला हूँ, अरे चिल्फी घाट तो कहाँ है, वो यहाँ पे, हाँ नहीं बोला हूँ घाटी, मैं खुद देख के बोल रहा हूँ, क्या बोलूँ मैं ऐसे क्या, हाँ चलो, रायगढ़ और कोरबा घाटी में भी निश्चले दिखाई देती है,
लिख दो, रायगढ़ और कोरबा घाटी, वो शब्द रहेगा तो ऐसे जान जाओगे। हो गया इतना। चलिए अब आते हैं विस्तार पे आते हैं, ठीक है। तो विस्तार पे चलो, ये अंतिम चीज है इसका, लिख लिया ना, थोड़ा सा फास्ट करना लिखने के लिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखाते रहा तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अधिकांश जगह में लिखने भी नहीं देते हैं ना, बता देता हूँ, घर जाके लिख लेना बोल दो, ठीक है। तो चलो घर जाके लिख लेना। अरे ज्यादा नहीं लिखा सकता, ठीक है, समय ऐसे में निकल जाएगा। चलो अब इधर देखिए, हम लोग क्या किस में आते हैं, अब विस्तार में आते हैं। इसका विस्तार वाला क्वेश्चन कुछ बनता है क्या? ठीक है, तो पहला बात है भैया कि ये 50% भागों में लगभग छत्तीसगढ़ के पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में लगभग 50% भाग में पाया जाता है, इतना तो लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो, इसके अलावा और क्या पूछिए, क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र में इस सेल का सर्वाधिक विस्तार है। देखो महानदी घाटी के, अब इधर देखिए ध्यान से, इसमें अब छोटा सा मैप बना देते हैं तो ज्यादा आप समझोगे। ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, जिसमें से महानदी घाटी, ये वाला जो एरिया है मध्य का, ये महानदी घाटी है, ठीक है। तो महानदी घाटी का सीमांत क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसका सीमांत क्षेत्र है जो सीमा से लगा हुआ, ठीक है। तो इसी चीज को देखो, एक पॉइंट तो बोल दिए कि छत्तीसगढ़ के 50% भागों में सर्वाधिक, मतलब कहा जाए, ये पाया जाता है, ये एक नॉर्मल सा चीज है जो पहले से पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, महानदी घाटी के, कौन से घाटी बताइए, महानदी घाटी, ठीक है, महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र, सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र, उच्च भूमि क्षेत्र, सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र, ठीक है, महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र, ठीक है, ठंड लग रहा है, चलो, महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार है। मतलब एक तरह से देखो, छत्तीसगढ़ में सभी भागों में पाया जाता है, अब जब सभी का कंपेयर करें, ठीक है, तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ है इसका, महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र, महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र, क्लियर हो गया इतना समझ के बाद, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, इसमें आते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट को याद रखिएगा कि दंडकारण्य का अधिकांश भाग इसी चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है, चट्टानों से निर्मित है। तो दंडकारण्य का क्या भाग, अधिकांश भाग, ठीक है। हाँ अब इधर देखिए, दंडकारण्य का अधिकांश भाग आर्कियन सेल समूह से बना है, ठीक है। अब ये अधिकांश कितना है, 75%। मतलब दंडकारण्य का, ध्यान से सुनेगा, दंडकारण्य का लगभग 75% भूभाग, ठीक है, ग्रेनाइट और आद्य शैलों से निर्मित है, ठीक है, आद्य ग्रेनाइट और आद्य शैलों से, अर्थात ये यही आर्कियन शैल समूह से, ठीक है। तो देखिए, दंडकारण्य का अधिकांश भाग, एक हमने लिखा कि दंडकारण्य का अधिकांश भाग कितने हैं, ठीक है, दंडकारण्य का अधिकांश भाग आर्कियन शैल समूह से निर्मित है, ठीक है, होगा क्लियर। अब उसी चीज को लिखें कि दंडकारण्य का लगभग 75% भाग, ठीक है, 75% जो बुक में है उसी आधार पर आद्य ग्रेनाइट, ताकि आप बाद में मत डरो, आद्य शैल समूह से निर्मित है। एक ही मतलब है, आर्कियन को ही बोल रहा है, वो शब्द बस अलग लिख दिया है, ठीक है, लगभग 75% भाग, क्लियर हो गया समझ की बात। हाँ एक चीज और, यह अंतर्वेधी चट्टान है, हम पहले से जानते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी जो ऑनलाइन वाले कोई कुछ बोल रहे हो तो जल्दी बोलो, नहीं तो म्यूट कर दीजिए, म्यूट कीजिए, ठीक है। हाँ चलो अब इसके बाद इधर देखिए, ये जो अंतर्वेधी चट्टान जो है, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, तो अंतर्वेधी चट्टान जो है, ग्रेनाइट, मतलब खनिज के लिख रहे हैं बस, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक और हार्नब्लेट, ठीक है, अर्थात दंडकारण्य में ये जो आपका आर्कियन सेल समूह, जिसको हम आग्नेय चट्टान बोल रहे हैं, इसमें कौन सा खनिज, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक और हार्नब्लेट पाई जाती है, ठीक है। या इसी चीज को
किताब के अनुसार अगर लिखें, किताब के अनुसार अगर लिखें तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसी को, ठीक है। देखो यह अग्नि चट्टान है, ठीक है, अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान, अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान है जिसमें ग्रेनाइट, क्वार्ट्स, फेल्सपार, ठीक है, अभ्रक, हॉर्नब्लेड पाई जाती है। ठीक है, समझ गए बात, इतना क्लियर आपका खत्म हो गया क्या? आर्कियन से भी समझ, ठीक है, जल्दी नोट करो क्या। हाँ खनिज क्या दंड करण्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके लिख लेना। ये आर्कियन सेल समूह आपका समाप्त हुआ, तो याद रखना ये वाला जो 50% है पूरे छत्तीसगढ़ का 50% की बात करता है, ठीक है, और ये 75% पूरा दंडकारण्य का 75%, ठीक है, याद रखना ना, 50% पूरे छत्तीसगढ़ में 50%, लेकिन यही चीज अगर दंडकारण्य की बात करें तो दंडकारण्य का 75% भागों में आर्कियन सेल समूह पाया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझिए। एक एक शब्द को याद करिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब दूसरे से हम ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा चीजों को पढ़ें तब होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ध्यान से, अभी तक हम लोग जितने पॉइंट ये पढ़े हैं, ठीक है, यहां से इधर देखेंगे सभी, ये जो आपका पढ़े हैं क्या आपका एक बार हल्का से देख लो ना, एक सामान्य अर्थ पढ़े हैं, फिर उसके बाद आग्नेय चट्टान, कायंद्रीय चट्टान पढ़े हैं, फिर क्या क्या चीज शामिल है ये पढ़े हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़े हैं हम लोग, ये ग्रेनाइट, निशिष्ट और निष्पत्ति के बारे में पढ़े हैं, फिर उसके बाद जो है क्या वही निष्पत्ति, निशिष्ट, निष्पत्ति, श्वेत अभ्रक के बारे में पढ़े हैं, फिर उसके बाद क्या ये विस्तार को पढ़े हैं, अब एक बार रिवीजन हो जाए सभी का, ठीक है, और एक बार रिवीजन होने के साथ साथ एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, फिर ये आर्कियन सेल समूह कंप्लीट, क्योंकि रिवीजन ज्यादा जरूरी है, तभी याद हुआ कि नहीं हुआ ये जरूरी है, ठीक है, पता चलेगा। तो देखो सामान्य जानकारी में आते हैं, ठीक है, सामान्य जानकारी में, ऑनलाइन वाले भी म्यूट करके बोल सकते हो, म्यूट इस कारण क्योंकि बाकी लोग को मत सुनाई दे, ठीक है। तो देखिए सामान्य जानकारी में हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है, सर्वाधिक प्राचीन, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, सर्वाधिक प्राचीन, और वहीं से हमने लिख दिया कि यह सर्वाधिक क्या है, पृथ्वी का सबसे प्राचीन चट्टान है, ठीक है, ये देखे हमने, और उसके बाद सबसे गहराई पे लिखती है सामान्य जानकारी। अब इसके बाद आग्नेय वाले में क्या पढ़े, अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान है पढ़े, कायंत्रित वाले में क्या पढ़े, क्षति के कारण कायंत्रित हुआ था, इसका यह कायंत्रित चट्टान है, क्लियर है, ठीक है। अब सम्मिलित वाला में क्या पढ़े,
हाँ अवर्गीकृत क्रिस्टलीन नाइस ग्रेनाइट धारवाद समूह के चिल्फी खाद सीरीज के असादी चट्टान सम्मिलित है इसके अंतर्गत। क्लियर, एक बार आराम से, अवर्गीकृत क्रिस्टलीन नाइस ग्रेनाइट धारवाद समूह के चिल्फी घाट घाटी सीरीज के चिल्फी घाटी के औषधि चट्टान सम्मिलित है, इतना पढ़े। अब इसके बाद सीधा पहुंच गए थे किसमें, ग्रेनाइट में। ग्रेनाइट में चार पॉइंट पांच पॉइंट पढ़े हम लोग। पहला वाला क्या था, डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में किस प्रकार की ग्रेनाइट चट्टान, गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान डोंगरगढ़ हो गया। अब उसके बाद दूसरा कहा, हाँ अरे यार मैपिंग की तो करना है, चलो ऐसी बता रहे हो तो नहीं लगेगा मैपिंग, वो याद नहीं होता तब मैपिंग कराता है, ठीक है। चलो रायगढ़ और जसपुर, ठीक है, रायगढ़ और जसपुर के अधिकांश भागों में। फिर तीसरा उर्देना और लामी दर्रा के चारों ओर, ठीक है, वो चारों ओर था, ठीक है, उर्देना और लामी दर्रा के चारों और सारंगढ़ के दक्षिण पूर्व में ग्रेनाइट चट्टान। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे, हाँ वही वाला पाया जाते, कैसे कि इसमें जो है लोह अयस्क की विद्यमानता पाई जाती है, विद्यमान होते हैं, और जो कहीं कहीं पर ग्रेनाइट के रूप में पाए जाते हैं। ये पढ़े थे, अब क्या पढ़े, निशिष्ट पढ़े। तो निशिष्ट पढ़े कहाँ, के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में, कोरबा के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में निशिष्ट पढ़े, गुड। अब निशिष्ट के बाद निष्पट्टी पढ़े, दो, पहली पट्टी और दूसरी पट्टी, पुरानी पहली पट्टी पुरानी निश्चले हैं, ठीक है, ये पढ़े थे। अब आते हैं दिशा बताओ, उत्तर में पहली पट्टी में, उत्तर में चिल्फी घाट के और उसके पहाड़ी क्षेत्रों में प्राचीन निश्चले पाई जाती है। अब उसके बाद दूसरी पट्टी में क्या पढ़े, हाँ उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, ठीक है, पाई जाती है, कोरबा रायगढ़ घाटी में भी निशैले पाई जाती है। ये पढ़े हम लोग, पढ़े खत्म। अब इसके बाद श्वेत अभ्रक के बारे में पढ़े, श्वेत अभ्रक एकदम इजी है, क्या कापू गुठुर मिया खरहा डोली, ठीक है, देखो कापू गुठुर मिया खरहा डोली और पेंडल ओरमी का पठार उपरोरा और कोरबा बेसिन, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। अब यहीं पे कोरबा बेसिन का ढाल क्या पढ़े, हाँ कोरबा बेसिन का जो ढाल है, कोरबा बेसिन के चट्टानों का ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, कोरबा बेसिन के चट्टानों का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये पढ़े। अब इसके अलावा क्या पढ़े हम लोग, सीधा विस्तार में आ गए थे, विस्तार में जब आए तो विस्तार में पूरे छत्तीसगढ़ के 50% भागों में पाया जाता है, सभी शहर समूहों में सर्वाधिक में पाया जाता है। अब इसके बाद आए दूसरा पॉइंट जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि आर्कियन शहर समूह कहाँ सर्वाधिक है, महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र, ठीक है, महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र में सर्वाधिक आर्कियन शैल समूह पाई जाती है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद दंडकारण्य में भी पाया जाता है अधिकांश भागों में, तो दंडकारण्य के कितने प्रतिशत भागों में, कितना 75% भागों में पाया जाता है, जो आद्य ग्रेनाइट और आद्य शैल के रूप में पाई जाती है। और कुछ पढ़े क्या, खनिज, यह अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान है जो ग्रेनाइट क्वार्ट्ज फेल्डस्पार अभ्रक और हार्नब्लेट की बनी होती है, हार्नब्लेट पाई जाती है, जो आप बोलो। क्लियर हो गया, इतना समझिए बात खत्म, जितना मैं आपको बताया हूं आपका रिवीजन हो गया। चाहो तो मैपिंग कर सकते हो, आप मैपिंग कराने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, मतलब जो जो शब्द है ना उसी उसी को जहां जहां है डाल, याद नहीं होता तो मैपिंग से याद कराता, याद हो गया तो फिर आगे बढ़ते, ठीक है। अब दूसरा लिखिए धारवाड़ शैल समूह, क्या